रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। महागठबंधन कितना एकजुट आप इस बात को लेकर के आज निश्चित रूप से अपने मन के अंदर टटोल रहे होंगे। टटोलने का कारण भी है क्योंकि आज महागठबंधन पिछले एक महीना से तैयारी कर रहा था राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम के लिए, और इस कार्यक्रम में महागठबंधन के सभी घटक दल जोर शोर लगा रहे थे। पर जितना दम लगाया गया और जिस तरह से आपस में तल्खी दिखी उपचुनाव को लेकर के, उसने कई तरह के कयास खड़े कर दिए थे। अब ये कयास कितने सार्थक हुए, सही हुए, ये तो पता चलेगा जैसे इस खबर के अगले हिस्से में आप जाएंगे। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि महागठबंधन को एकजुट करने की जो कवायद कांग्रेस के तरफ से की जा रही है, उस कवायद में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस के साथ चलने का रास्ता अख्तियार कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। आप लगातार भारत लाइव पर खबरें देख रहे हैं, खास करके जब खबरों की बात होती है तो भारत लाइव हर राजनीति से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों को आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करता है। इसी कड़ी में आज हमने राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम, जिसे महागठबंधन ने बड़ी सुनियोजित ढंग से और काफ़ी अच्छे ढंग से करने का कार्यक्रम बनाया था, योजना बनाई थी, और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था जिसके सुप्रीमो बनाए गए थे RLSP के उपेंद्र कुशवाहा। महागठबंधन घटक दल के एक बड़े नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अब इस पूरे कवायद में कहीं ना कहीं जिस तरह की तल्खी बीच में देखने को मिली उपचुनाव को लेकर के और सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के, उससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और RJD इससे दूरी बना सकते हैं। जब हमने इस विषय पर कांग्रेस से बात किया तो कांग्रेस का कहना था कि क्यों नहीं जाएंगे, महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल हैं और मजबूत साथी हैं, इसलिए हम जरूर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको याद होगा कि कांग्रेस के कार्यालय में ही इसकी शुरुआत हुई थी, इस पूरे कार्यक्रम की पटकथा वहीं रखी गई थी और वहीं लिखी गई थी, उसमें सभी पांचों दल मौजूद थे। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने RJD कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे से बात की। वसीम ने जब रामचंद्र पूर्वे से ये बात पूछा कि क्या तेजस्वी यादव आज के इस बैठक में और कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं होंगे, ये भी खबर हमने आपको दिखाई। और सबको इंतजार कर रहा था, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था और तेजस्वी यादव का चेहरा नजर नहीं आ रहा था भीड़ को, भीड़ में सवाल और जवाब दोनों ही तलाशे जाने लगे थे। कई चेहरे तेजस्वी को तलाश कर रहे थे और कई चेहरे इस बात से मायूस नजर आ रहे थे कि अब लगता है तेजस्वी नहीं आएंगे। 1:30 बजे तक तेजस्वी के आने का कोई भी अता पता नहीं था। भीड़ अधिकतर या तो RLSP की तरफ से के झंडे दिख रहे थे या फिर झंडे VIP के नजर आ रहे थे। VIP और RLSP ने इस पूरे कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का बड़ा काम किया। कांग्रेस और इसके साथ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, RJD तक जो सबसे ज़्यादा जनाधार वाली पार्टी अपने आप को मानती है बिहार में, वो भी पिछड़ गई और अंततः भीड़ काफ़ी नजर आई, लेकिन ये भीड़ महागठबंधन की कही जाने लगी। उसके बाद एक बैग ये घोषणा हुई कि तेजस्वी यादव किसी भी क्षण इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से निकल चुके हैं और पहुंच सकते हैं। उसके बाद से भीड़ में उत्साह बढ़ने लगा, उत्साह बढ़ा और तेजस्वी यादव नजर भी आए। सारे कैमरे के फोकस कार्यक्रम से हटकर तेजस्वी यादव की तरफ मुड़ गए और उसके बाद से महागठबंधन एकजुट है ये बात जोर शोर से नारों के माध्यम से बताई जाने लगी। अब इसका दूसरा पहलू था, एक तरफ जहां कार्यकर्ता एकजुटता के लिए नारे लगा रहे थे, गगनचुंबी नारों से जहां आवाजें बुलंद की जा रही थी, सरकार और नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी को घेरा जा रहा था, वहीं दूसरे तरफ मंच पर बैठे महागठबंधन के साथी दल, उनके अध्यक्ष और बड़े नेता आपस में बात तक करते नहीं दिखे।
तेजस्वी यादव और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बीच नज़रें तक नहीं मिल रही थी। वहीं नज़रें तो वीआईपी के मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की भी नहीं मिल रही थी। बीच बीच में कांग्रेस इन नज़रों को एक दूसरे से मिलाने का प्रयास कर रही थी और कांग्रेस का यह प्रयास हाथ मिलाने तक पहुंच गया। सभी घटक दल के नेता जो मंच पर खड़े थे बैठे थे वो सारे एक साथ खड़ा हुए और कैमरा के फ्लैश के सामने सभी ने हाथ उठा करके और एक दूसरे को एकजुटता का समझिए तो कसम खिला दिया। और ये कसम अब आने वाले 2020 के चुनाव तक कितना ज़्यादा मजबूत रहेगा और कितना इस कसम पर खरा उतरेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जब 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर महागठबंधन तितर बितर हो सकता है तो 243 सीटों पर क्या कुछ होगा। आगे खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी है और हम इस कार्यक्रम के समापन तक आपको लगातार खबरों से जुड़े रहेंगे। इस बीच में और भी कई राजनीतिक घटनाएं हैं। पूरे बिहार ने आज राम मनोहर लोहिया का पुण्यतिथि मनाया है। बिहार की अलग अलग दलों ने अपने अपने हिसाब से मनाया है। वहीं एक और घटना घटी है जिसकी भी खबरें हमने आपको दिखाई है कि सब लोग जहां राम मनोहर लोहिया का पुण्यतिथि मना रहे थे, वहीं एक पार्टी जो लगातार पिछले 13-14 दिनों से बिहार के जल प्रलय में दिन रात लोगों को सेवा दे रही है, खाना पहुंचा रही है, उनके बीमारी उनके हाल चाल जान रही है, वो जाप और जाप के अध्यक्ष भले पटना में नहीं हो लेकिन उनकी पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह लगातार अपनी पूरी टीम के साथ डीडीटी का छिड़काव कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टरों की टीम जाप के तरफ से लगातार सेवा में लगी हुई है, शिविर लगा हुआ है। और दूसरी तरफ राजनीति और लोहिया दोनों ही बिहार में सबसे ऊपर चल रहे हैं। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और भी खबरें लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।